फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू किचन। एंड आज मैं बनाने जा रहा हूँ तोरी की सब्ज़ी। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तोरी की रेसिपी एंड आप लोगों को दिखाते हैं, पहले उसका इंग्रीडियंट्स दिखा देते हैं। चलिए दोस्तों हम आप लोगों को सबसे पहले इंग्रीडियंट्स दिखा देते हैं। ये हमने दो मीडियम साइज के प्याज लिए, चार टमाटर लिए मीडियम साइज के एंड 1 इंच अदरक का टुकड़ा, दो हरी मिर्चें हैं और ये कुछ मसाले हैं। ये धनिया पाउडर है एंड किचन किंग मसाला है, जीरा है, एक चम्मच नमक है, ये कश्मीरी देगी लाल मिर्च है और ये हल्दी पाउडर है दोस्तों। एंड ये हमारी तोरी है, इनको अभी हम छील लेते हैं। ये है MDH का काली मिर्च पाउडर, ये गरम मसाला है दोस्तों और ये है हींग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, आप लोगों को सामग्री के नाम बता दिए हैं। कुकर लेंगे, कुकर इस कुकर में अच्छी बनती है दोस्तों, 2-3 सीटी लगवाने पे कुकर में अच्छे से सब्ज़ी पक जाती है, बाद में उसको पका लो। तो हम चलिए कुकर को रख देते हैं गर्म करने के लिए, उसका पानी थोड़ा सा रहता था वो सूख जाएगा। तो डालते हैं सरसों ऑयल, फॉर्चून ऑयल है। तो दोस्तों आप चाहे तो इसको घी में भी बना सकते हैं या रिफाइंड में भी बना सकते हैं, हम सरसों के ऑयल में ज़्यादा बेटर बनती है। तब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम प्याज काट लेते हैं। तो दोस्तों प्याज काटने से पहले इसका फालतू पार्ट्स पहले निकाल देना ज़रूरी है। कई लोग होते हैं ऐसे बना देते हैं, ऐसे डाल देते हैं काट के, पर इसका फालतू पार्ट ज़रूर निकालना चाहिए। तो दोस्तों एक प्याज तो हमने बारीक बारीक काट दिया, एक तो हम लंबा लंबा चॉप कर लेंगे। इसको खाली लंबा लंबा चॉप करना है, इसको बारीक नहीं करना है, ताकि बारीक प्याज भी रहे और लंबा लंबा भी रहे, अच्छा लगेगा और बेटर बनती है सब्ज़ी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा प्याज चॉप हो चुका है, एक मैंने चॉप कर लिया, एक लंबा लंबा ही रखा हुआ है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा तेल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं जीरा, ये जो हमने जीरा रखा था इसको हम डाल देते हैं 1 चम्मच। साथ में डाल देंगे हम प्याज, जीरा हमारा पक चुका है और प्याज डाल देते हैं साथ में। प्याज डालने के बाद इसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे। इसमें डाल देते हैं हम 1/4 चम्मच हींग, हींग से स्वाद बढ़िया बनता दोस्तों। इसका सर्दियों का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, ताकि हींग और बढ़िया लगेगी सर्दियों में, तो और बेस्ट है। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पका लेते हैं। दो हरी मिर्ची, इनको भी हम कट करके डाल देते हैं दोस्तों। चलिए ये भी डाल देते हैं इसमें। अब अदरक को भी हम क्रश कर लेते हैं दोस्तों। अदरक भी मैंने डाल दी इसमें, ये भी पक जाएगी साथ में आप अदरक। चलिए साथ में अब टमाटर को भी काट लेते हैं। टमाटर के भी आप लोग ये फालतू पार्ट्स हटा देना, क्योंकि ये इसमें भी बेटर नहीं, बढ़िया नहीं लगते हैं। टमाटर को बारीक बारीक चॉप कर लेना अपने दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं हमारा टमाटर भी चॉप हो चुका है और ऑलमोस्ट प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है दोस्तों। देखिए आप लोग, प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर। तो चलिए दोस्तों इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। इसको कर देते हैं हम मिक्स और साथ में डाल देते हैं हम नमक, जो हमने नमक रखा था 1 चम्मच, इसको डाल देते हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए, जितना खाते हैं हम कम या ज़्यादा। इसको हम 5 मिनट पकने देते हैं ताकि टमाटर गल जाएं। नमक से क्या होता है कि टमाटर गल जल्दी जाते हैं और जल्दी से मसाला रेडी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों जब तक हमारा मसाला रेडी हो रहा है तब तक हम तोरी छील लेते हैं।
तोरी छीलने के लिए हम डाल देंगे छीला, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी तोरी छिलके हमने रेडी कर दी हैं। अब इनको हम कट कर लेते हैं, इसको पहले हम धो लेते हैं बाद में इसको कट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारा मसाला पक के रेडी हो चुका है, इसमें हम डाल देते हैं बाकी के मसाले बचे हुए। तो ये रेड कश्मीरी पाउडर है, मिर्च पाउडर, ये हल्दी पाउडर है दोस्तों 1 चम्मच, और ये किचन किंग मसाला है, ये दोस्तों धनिया पाउडर 1-2 चम्मच। इसको हम मिक्स कर देते हैं, मिक्स करने के बाद 2 मिनट इसको पकने देते हैं। साथ में दोस्तों हम डाल रहे हैं इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर। तो चलिए इसको दोस्तों मिक्स कर देते हैं और इसको सिम पे पकने देते हैं। तब तक के लिए हम तोरी काट लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम तोरी काट लेते हैं। तोरी काटने के लिए आप 4-5 तोरी लीजिए और ऐसे करके काटते रहिए गोल गोल ही। इसको ना बीच से काटने की लोड ना कुछ करने की लोड है। सो हम तो दोस्तों ऐसे काटते आते हैं, तो बीच से भी काट सकते हैं एक बार, पर ऐसे काटोगे वो गल जाती हैं तोरियां। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने तोरी काट के रेडी कर ली। फिलहाल 3 तोरियां हो जाएंगी, इनको भी फटाफट काट देते हैं, कट कर देते हैं। तो दोस्तों तोरी कट के हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं अपना मसाला। मसाला भी हमारा पक चुका है, देख लीजिए सारा तेल छोड़ दिया इसने, तेल वगैरह छोड़ दिया। अब इसी में हम डाल देते हैं तोरी, तो कर देते हैं मिक्स। दोस्तों मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देते हैं हम डालते हैं 1 चम्मच मलाई, 1 चम्मच मलाई डाल देते हैं, 1.5 चम्मच। इससे टेस्ट भी बढ़िया बनता है और मस्त भी लगती है। इसको कर देते हैं मिक्स। तो चलिए हम कुकर को कर देते हैं बंद। अब इसमें 2-3 सीटी आने तक इसको पकने देते हैं। गैस को कर देते हैं जोर। जैसा कि दोस्तों जानते हैं आप लोग सीटी हमारी लग चुकी है, तो अब गैस को कर देते हैं। हमने गैस को ऑफ कर देता, अब थोड़ी देर इसको स्टीम होने देते ताकि इसकी स्टीम जो धीरे धीरे निकलती रहेगी, और स्टीम निकलने के बाद इसको हम ओपन करके पकाएंगे थोड़ी देर। तो चलिए दोस्तों 10 मिनट बाद हम देख लेते हैं, कुकर की स्टीम भी निकल चुकी है, थोड़ी सी रहती होगी वो भी हम निकाल देते हैं हाथ से। सो इसको ओपन करके देखते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी सब्जी बन के रेडी हो गई। अब इसको 10 मिनट के लिए हम ऐसे पका लेते हैं। में क्या होता है कि आराम से बढ़िया से सब्जी पक जाती है और मसाला भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इसको चलिए हम सिम पे 5-10 मिनट इसको पका लेते हैं सिम पे, ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाएगा। अब इसको हम 10 मिनट के लिए पकने देते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, हमारी 10 मिनट बाद सब्जी बन के रेडी हो गई है। अब इसको हम गैस को कर देते हैं ऑफ, और इसी में डाल देते हैं 1 चम्मच हम गरम मसाला। ये हमने घर ही में बनाया था, गरम मसाला ये हमने घर ही में बनाया था। तो
तो चलिए दोस्तों, आई होप दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना है दोस्तों। तो दोस्तों मेरी सब्ज़ी बनके देखता हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करना और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपका पहले पहुंचे। तो धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का हमारी वीडियो देखने के लिए। रेसिपी ट्राई कीजिएगा एक बार जरूर अपने घर पर कैसी लगी रेसिपी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का बहुत। तो आज दोस्तों बाहर का मौसम भी साफ है एंड बदल भी नहीं है, ज़्यादातर धूप भी निकली हुई है बाहर। तो आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर कर देना। आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों, धन्यवाद।